योगी के दोबारा सीएम बनते ही सपा के बाहुबली और क्रिमिनल नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए और सबसे पहले हंटर रामपुर में आजम खान पर चला है। इस बार यूपी पुलिस ने आजम खान के शस्त्र लाइसेंस छीन लिए हैं। आखिर क्यों आजम पर यह कार्रवाई की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। आजम खान भले ही रामपुर से जीत गए हैं लेकिन उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि योगी के शपथ लेते ही यूपी पुलिस का सबसे पहले हंटर आजम खान पर चला है। आजम खान और अब्दुल्ला सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट में हैं। दरअसल रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और स्वार से विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की खबर है। मामले में दिलचस्प ये है कि ये सिफारिश खुद यूपी पुलिस ने जिलाधिकारी के पास भेजी है। शस्त्र लाइसेंस के मद्देनजर पुलिस ने जो रिपोर्ट डीएम को भेजी है उसमें आजम खान के ऊपर दर्ज 87 मुकदमों का जिक्र है। वहीं रिपोर्ट में पुलिस ने तंजीन फातिमा पर दर्ज 34 और अब्दुल्ला आजम के 43 मुकदमों का हवाला दिया है। बता दें कि आजम खान पर यह कार्रवाई जेल में रहते हुए की गई है। आजम गुजरे 2 सालों से यूपी की सीतापुर जेल में बंद है, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो वहीं आजम खान ने अपने शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अर्जी दी थी, जिसको लेकर रामपुर के गंज कोतावली पुलिस पहले ही रिपोर्ट दे चुकी है। अब रामपुर पुलिस ने आजम खान की पत्नी और बेटे पर दर्ज मुकदमों को आधार बनाया है और शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट तैयार की है। शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण को ध्यान में रखकर जो रिपोर्ट रामपुर पुलिस ने बनाई है, अगर उस पर नजर डालें तो मिलता है कि पासपोर्ट और पैन कार्ड की तरह अब्दुल्ला के पास बंदूकों के भी 2 लाइसेंस हैं। इसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस के इस तर्क को डीएम कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है और नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि शस्त्र लाइसेंस के तहत खान परिवार का जवाब अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। यानी कि यूपी पुलिस ने आजम खान को एक और झटका दे दिया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस की सिफारिश पर शस्त्र निरस्तीकरण का वादा दर्ज किया है और इस पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए हैं। लेकिन पुलिस ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। ये लाइसेंस रद्द उन पर दर्ज मुकदमों के बाद किए गए हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।